हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा कि बी ग्रुप या मेडिकल ग्रुप जो है वो किस तरह के बच्चे को लेना चाहिए और मेडिकल ग्रुप के बाद बच्चा क्या क्या और कर सकता है। मेडिकल ग्रुप में प्राइमरी जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिस बच्चे का 10th लेवल पे बायोलॉजी 95% से ज़्यादा है और फिजिक्स और केमिस्ट्री 90% से ऊपर है, वो बच्चा बाय एंड लार्ज सही बच्चा है जिसको मेडिकल ग्रुप में या साइंस बी ग्रुप में जाना चाहिए। तो क्वालिटीज़ में हम चार चीज़ों की बात करते हैं। पहला, उस बच्चे का एकेडमिक ओरिएंटेशन और पीपल ओरिएंटेशन, ये दोनों काफ़ी अच्छे होने चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में उसका कंफर्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तीसरा, उस बच्चे का मेमोराइजेशन पावर जो है, याद शक्ति जो है, और याद कोई भी चीज़ करने के बाद जो रिकॉल की शक्ति है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि 11th 12th की सिर्फ स्टडी में नहीं लेकिन आगे जाके प्रोफेशन में भी उसको मेमोराइजेशन पावर की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, मेडिकल फील्ड में स्पेशली। और चौथा, उस बच्चे को लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करने में कंफर्ट होना ही चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें बच्चे में हैं और वो मेडिकल फील्ड लेना चाहता है या साइंस बी ग्रुप लेना चाहता है, वो सही एरिया में जा रहा है, उसको उसी एरिया में जाना चाहिए। अब अगर आपने 11th 12th साइंस बी ग्रुप या मेडिकल फील्ड किया, उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम देंगे जिसके अंदर प्राइमरीली आप MBBS की या BDS की एडमिशन्स लेते हैं, उसके बियॉन्ड आप आयुर्वेदा, योगिक साइंसेस, यूनानी मेडिसिन, सिद्ध मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन, इन एरियाज़ के अंदर भी बच्चा जो है वो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू जा सकता है। इसके बियॉन्ड वेटरनरी साइंसेस हैं, फिशरीज साइंसेस है, वो भी दोनों मेडिसिन के फील्ड्स हैं जिसके अंदर बच्चा 12th बी ग्रुप के बाद जा सकता है। पैरामेडिकल साइंसेस और रिहैबिलिटेशन साइंसेस, ये दो और एलाइड साइंसेस हैं जो बी ग्रुप के बच्चों के लिए काफ़ी उनकी स्ट्रीम के साथ मैच करती हैं, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इस तरह के एरिया सारे कवर होते हैं। इसके बियॉन्ड एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर बच्चा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मैरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, इस तरह के एरियाज में भी आगे 12th के बाद वो डिग्री कोर्स में जा सकता है। इस वीडियो के बेसिस पे अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे को आप सवाल पूछ सकते हैं या नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा उस सवाल का जवाब देना। थैंक यू। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे ऑफिस पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7600888111, या आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mohitmangal.com। आप सोशल मीडिया पे मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा आईडी है IQUEMOHIT, IQ मोहित। थैंक यू।